हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना द बीट हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस के स्टेजेस क्या हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था क्रायोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जो हैं वो स्टेजेस हैं क्रायोकाइनेसिस के। तो अब हम बात करेंगे क्रायोकाइनेसिस की इन स्टेजेस की, यानी कि प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की और टीलोफेज की। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डिवीजन हो रहा है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रोफेज से पहले जो है वो सेल जो है कुछ इस प्रकार दिखती है। यहाँ पर देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और अन्य सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, और ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो जब सेल एंटर करती है प्रोफेज में, तो ये जो डायग्राम है बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जब सेल एंटर करती है हमारे प्रोफेज में, तो उसमें कुछ सडन चेंजेस होने लगते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस फॉर्मिंग अ कंडेंस मास। कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, वो कंडेंस होने लगते हैं और वो एक कंडेंस मास की का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ऊन का गोला होता है ना, उस प्रकार का। ठीक है, तो ये जो स्टेज दिखा रहा है ये अर्ली प्रोफेज की स्टेज है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस जो होता है, जो डीएनए होता है, या हम कहें जो क्रोमोसोम होते हैं, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये वाली, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये डीजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये यहाँ से डीजेनरेट होनी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सेंट्रियोल जो प्रोड्यूस होते हैं एस फेस के टाइम पर, वो अपने डिफरेंट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं हमारे कहाँ पर, डिफरेंट पोल्स की तरफ। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, प्रोफेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ऑलमोस्ट डीजनरेट हो चुकी है एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। तो यहाँ पर क्या है, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब जो है ये डिसअपेयर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, यानी कि गायब हो जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल्स फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स और इस एस्टर रे। तो ये जो क्या कहते हैं, ये इस प्रकार, देखो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एस्टर रेज जो होते हैं, इस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है और ये इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये सब हो रहा है प्रोफेज के एंड में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फेज आता है वो मेटाफेज आता है। कौन सा फेज आता है, मेटाफेज आता है। तो एक बात ध्यान रखना कि मेटाफेज जो है, अगर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो मेटाफेज जो है वो सबसे बढ़िया फेज है। तो मेटाफेज के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे, तो देखो क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, पूरा क्रोमोसोम बनाएंगे ये। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है जो सेंट्रोमेयर से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा यदि हम सेंट्रोमेयर मान लेते हैं और यहाँ पर ये काइनेटोकोर है, तो ये जो हमारे जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये यहाँ से अटैच होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, अर्ली मेटाफेज स्टेज। ठीक है, इससे अटैच होने शुरू होते हैं अर्ली मेटाफेज स्टेज में। और इसके बाद क्या होता है, जैसे कि क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, तो ये अर्ली मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम से नहीं, क्रोमोसोम के जो एक एरिया होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, और सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है उसके पास में होती है काइनेटोकोर प्रोटीन, उससे ये अटैच होते हैं। तो ये अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने एक इक्वेटर प्लेन पे, यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइन हो जाते हैं।
ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस प्रकार से लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात क्या होती है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रोमोसोम्स से सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर बस अटैच हुए हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के बिल्कुल सेंटर में लाइंड हो गए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लाइंड हो गए। तो यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों एनाफेज में क्या होता है हम वो जानते हैं कि सेंट्रियोल बोथ साइड पुल दी क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो अटैच हुए थे देखो इस प्रकार से, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से वो अटैच हो गए थे, ठीक है, स्पिंडल, फिर स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, ये एक रोप लाइक प्रोटीन है जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी तरफ से अपनी तरफ क्रोमोसोम को पुल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये है और ये वाला हिस्सा है, ठीक है, कुछ अजीब लग रहा है, देखो ये है और ये, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो है, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहा है ये वाला और ये अपनी तरफ खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेटिड्स को इसको लेना है और एक सिस्टर क्रोमेटिड्स को इसने लेना है। तो वो एक गेम होता था जो हम बचपन में खेलते थे कि रस्सी, एक एक बड़ी सी मोटी रस्सी होती थी, एक तरफ जो होते थे कुछ लोग आ जाते थे, एक तरफ कुछ लोग आ जाते थे, ठीक है, और हम उसको खींचने की कोशिश करते थे। तो सेम वही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से ये खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ये खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स आर पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम फेस टुवर्ड्स द पोल, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड इनटू टू आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम रीच वन पोल एंड अदर हाफ रीचेस द अदर पोल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे कि इस डायग्राम में है कि जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपना पूरा ताकत लगा देंगे, तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, इनको जो सेंट्रोमेयर वाले एरिया से ये जो जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रोमेयर जो है वो हिस्सा इनका अलग हो जाए, ये वहां से अलग हो जाएंगे और ये दो अलग अलग क्रोमोसोम के रूप में जाने जाएंगे और फिर स्पिंडल फाइबर जो उसका वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको खींच लेगा अपने दोनों के अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम्स जो है वो इस साइड चले जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम्स इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है टीलोफेज, जो कि अंतिम स्टेज है क्रायोकेनेसिस की। तो यहाँ पर क्या होता है, द क्रोमोसोम रीच द अपोजिट पोल्स, डिसअपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर तो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी पहचान कैसे हो रही है, ठीक है, वहां पर एंड होता है एनाफेज का जब क्रोमोसोम्स जो हैं आधे क्रोमोसोम्स एक साइड में और आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत वहां से होती है, उसका अंत वहां से होता है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअपेयर हो जा रहे हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, लॉस देयर इंडिविजुअलिटी एंड रिपेयरेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स जो हैं जो पहले कंडेंस हुए थे, अब वो क्या हो रहा है, दोबारा से डीकंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो दोबारा से खो देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो यहाँ पर दोबारा से अपेयर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी क्रोमेटिन्स के, परंतु यहाँ पर एक नहीं दोनों साइड में होगी, ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर्स न्यूक्लियर। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास एक न्यूक्लियस था, एट द एंड के लिए एट का शेप ले लेगा और यहाँ पर जो दोनों पोल्स में जहां पर न्यूक्लियस क्रोमेटिड से उसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बात की प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की और टीलोफेज की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोकिनेसिस की। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना।